हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे लास्ट वीडियो हमने फिनिश किया था। बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में मैं आपको आइडिया बताया था कि किसी भी सीक्वेंस को बाउंडेड कब बोलते हैं, जब वो सीक्वेंस दोनों तरफ से बाउंडेड हो, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव। क्लियर? चलिए, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था, बेसिक जो चीजें थी, ठीक है। अब मैं अगर आप डायरेक्ट ये इसी वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज पिछली वीडियो जाइए, लास्ट में मैंने ये चीजें कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। तो वहां से फिर पहले देखें, फिर यहाँ पे आए। चलिए, तो सिक्वेंस बाउंडेड सिक्वेंस होने के लिए बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव, ये दोनों होनी चाहिए सीक्वेंस, ठीक है ना। मतलब ये जो सीक्वेंस एक दी हुई है, बाउंडेड बिलो भी हो बाउंडेड अबव भी हो, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो चलिए, तो मतलब क्या हुआ, बाउंडेड सीक्वेंस होने के लिए दो चीजें चाहिए, दोनों दो तरीके से बाउंडेड होना चाहिए, क्या, बाउंडेड अबव, ठीक है, या पहले मैं बाउंडेड बिलो लिखता हूं नीचे से, तो बाउंडेड बिलो, और दूसरा क्या होना चाहिए, बाउंडेड अबव, दूसरा क्या होना चाहिए, बाउंडेड अबव, ठीक है। चलिए, बाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, फिर से मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन होगा बाउंडेड बिलो सीक्वेंस का, ठीक है ना, तो बाउंडेड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ठीक है ना, बाउंडेड बिलो सीक्वेंसेस या बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ये क्या होगा। यहां पे मैंने आपको बताया था बाउंडेड बिलो मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेफ्ट से सीक्वेंस के एलिमेंट्स को रियल लाइन सिस्टम पे अरेंज करिए और वो एक रियल नंबर ऐसा मिले जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स बड़े हों। देखिए, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, एक ऐसी रियल नंबर यहां पे मिल जाए जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, बड़े हो जाएं, मतलब ग्रेटर हो जाएं, या फिर इक्वल भी रहें तब भी चलेगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल हों तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, वो सीक्वेंस जो है बाउंडेड बिलो है, ठीक है ना, मतलब नीचे लेफ्ट से बाउंडेड हो, ऐसे समझे। तो बस इसी को मैं डिफाइन कर देता हूं। तो अ सीक्वेंस एफ एन, ठीक है, इज, अच्छा एक और चीज फ्रेंड्स, यहां पे मैं सीक्वेंस का नोटेशन एफ एन लिख रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे। कुछ बुक्स में सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं एस एन, कुछ बुक्स में नोटेशन ए एन, कुछ बुक्स में जी एन भी लिख सकते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, नोटेशन से आपको नहीं जाना है, मैं नाम दे दूंगा ना। देखिए, सीक्वेंस क्या है, फंक्शन है, तो नेचुरल नंबर टू आर मैं ये ले रहा था, तो एफ एन लिखा। कोई ऑथर अगर इसको एस लिख दे, मैपिंग को एस से रिप्रेजेंट करे, तो सीक्वेंस के लिए, जैसे एस फॉर सीक्वेंस, तो उस केस में सीक्वेंस को वो एस एन लिखेगा। कोई ऑथर ए एन, मतलब मैपिंग को ए ले ले, उसको क्या लिखेगा, ए एन। तो नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। अगर मैं एफ एन लिख रहा हूँ, आप कोई और बुक पढ़ें जिसमें एस एन लिखा हो, किसी में ए एन लिखा हो, तो नोटेशन पे नहीं जाना है, सबका वो एक फंक्शन ही होगा। कोई भी नोटेशन ले, सीक्वेंस फंक्शन ही होगा। चलिए, अब यहां पे आते हैं। सीक्वेंस एफ एन इज सेड टू बी, इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो ना, बाउंडेड बिलो, इसको आप बोलेंगे ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। मतलब क्या हुआ, वो लेफ्ट से बाउंडेड होगी, और लेफ्ट से बाउंडेड होगी तो एक वाल मिलना चाहिए, ये वाल क्या होगी, एक रियल नंबर मिलेगा, ठीक है ना। सो बाउंडेड बिलो तो कब, इफ देयर एग्जिस्ट ना, इसको क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट एग्जिस्ट, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा, चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो एक सीक्वेंस एक रियल नंबर मिले, सो वी अ बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, अ
रियल नंबर, इसका मतलब मुझे एक ऐसी रियल नंबर मिले, तो एक रियल नंबर मैं इसको लिख रहा हूं स्मॉल के, ठीक है ना, रियल नंबर स्मॉल के। अब ध्यान दीजिए, ये रियल नंबर जो है ना, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि सीक्वेंस के एलिमेंट्स क्या हैं। तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव मिलेगा, जैसे मैंने अभी जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैं बता रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई सेट बाउंडेड कब होगा, तो वहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स मतलब उस सेट के एलिमेंट्स का मॉडुलस ले रहा था ना ऐसे, ठीक है ना, जेड ले रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, हर एक एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू जो भी लिखा हूँ, एम लिखा था, के लिखा था, फर्क नहीं पड़ता, के को क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं हमेशा पॉजिटिव लिखता था, लेकिन यहाँ पे जो बाउंडेड बिलो की बात करते हैं, तो ये जो कॉन्स्टेंट के मिल रहा है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है आपका पॉजिटिव हो, ये डिपेंड करता है। फिर से मैं लिखता हूँ, के जो होगा मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और जीरो, इस पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड्स डिपेंडिंग ऑन एलिमेंट्स, ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस, एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, तो एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा या नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि सीक्वेंस के एलिमेंट्स क्या है, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। सो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, इसलिए मैंने पॉजिटिव नहीं लिखा, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के सच दैट क्या होना चाहिए, मैंने बताया बाउंडेड बिलो मतलब लेफ्ट से बाउंडेड, इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस के जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो इस रियल नंबर से या तो बड़े होंगे या तो इक्वल होंगे। तो सच दैट, या मैं लिखूंगा fn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इस रियल नंबर के फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लेंगे सीक्वेंस का पहला एलिमेंट, 2 लेंगे सीक्वेंस का दूसरा एलिमेंट, 3 लेंगे सीक्वेंस का थर्ड एलिमेंट, तो जिस सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो इस नंबर से बड़े होंगे या इक्वल होंगे, उस केस में हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस जो है बाउंडेड बिलो है फ्रेंड्स। और याद करिए, यहाँ पे इस नंबर को हम बोलते हैं लोअर बाउंड, ये जो के है ना, देखिए लोअर बाउंड मतलब सीधी सी बात है, लेफ्ट से ना मिल रहा है, और इससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स या तो बड़े हैं या तो इक्वल हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड। सो नोट में करके मैं लिख देता हूं, द रियल नंबर ए इज सेड टू बी या इज कॉल्ड लोअर बाउंड, इसको क्या बोलते हैं आपको, इसको आप बोलते हैं लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है ना। तो इसको जो है रियल नंबर के जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स बड़े हों या इक्वल हों, ग्रेटर हों या इक्वल हों, तो इस नंबर के को हम क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड। समझ आ गया फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड। समझ में आ गया, चलिए। तो यहाँ पे ये मेरा डेफिनेशन है लोअर बाउंड का, मैंने बताया, या फिर यहां से आपकी बात करें मेन बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। समझ में आ गया, अब चलिए यहीं पे मैं लगे हाथ बाउंडेड अबव डिफाइन कर देता हूँ, फिर जो है आपको मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होगी, अब देखिए, ऊपर से बाउंडेड मतलब मुझे यहां से राइट से बाउंडेड, तो राइट में एक वाल मिलना चाहिए। अब राइट में वाल क्या होगी, एक रियल नंबर होगी जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल टू होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, लेस देन और इक्वल टू होंगे, ठीक है। सो बस अब वही मैं डिफाइन कर देता हूं, सीक्वेंस fn is said to be
बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव, ठीक है ना, बाउंडेड अबव इफ देर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, अ रियल नंबर, मुझे एक ऐसी रियल नंबर मिली, इसको मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल के, यहाँ पे स्मॉल के था, यहाँ पे कैपिटल के। और अगेन सेम ये के जो है ना, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया एक बार तो दोबारा नहीं लिखूंगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है सीक्वेंस के एलिमेंट्स क्या है। तो मुझे एक रियल नंबर मिले कैपिटल के, सच दैट क्या हो जाए, सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स जो है ना उस नंबर से लेस देन और इक्वल टू होंगे, ठीक है। सो सच दैट एफ एन इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल के फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ठीक है ना। सो ये सिंपल सा हो गया। तो यहाँ पे ये जो ऊपर से बाउंडेड है राइट से ना, तो यहाँ पे वो उस रियल नंबर को मैं कैपिटल के बोल रहा हूँ और इधर वाले को, लेफ्ट वाले को स्मॉल के, समझ में आ गया। अब यहाँ पे इस कैपिटल के को हम क्या बोलते हैं, अपर बाउंड, जैसे बाउंडेड बिलो में जो आ रहा था स्मॉल के उसको लोअर बाउंड बोलते थे आप, लोअर बाउंड, लेकिन यहाँ पे बाउंडेड अबव में जो मिल रहा है के, इससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू हैं, तो इसको क्या बोलते हैं आप, अपर बाउंड, ठीक है ना। सो नोट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो नोट करके मैं लिख दिया द रियल नंबर, द रियल नंबर कैपिटल के इज कॉल्ड द अपर बाउंड, इज कॉल्ड द अपर बाउंड, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपर बाउंड, ठीक है ना। सो ये था डेफिनेशन आपका, जो कि हमने यहाँ पे सीखा कि बाउंडेड बिलो क्या होगा और बाउंडेड अबव क्या होगा कोई सीक्वेंस, ठीक है ना। सो मैंने साफ साफ लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, अ सीक्वेंस एफ एन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट, एक मुझे रियल नंबर मिले स्मॉल के, ये डिपेंड करता है सीक्वेंस के एलिमेंट्स पे, सच दैट सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हो के, ठीक है ना। और इस नंबर के को हम बोलते हैं लोअर बाउंड। बाउंडेड अबव कब होता है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर कैपिटल के सच दैट, ये कंडीशन होल्ड करे। और इस कैपिटल के को हम क्या बोलते हैं, अपर बाउंड, ये चीज याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर बाउंड, ठीक है ना। अब मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में कि सीक्वेंस को मैं बाउंडेड कब बोलूंगा, जब वो सीक्वेंस दोनों हो, ध्यान दीजिएगा, बाउंडेड अबव हो बाउंडेड बिलो दोनों होगा तभी आप बोलेंगे कि वो सीक्वेंस बाउंडेड है, अदरवाइज आप बोलेंगे वो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है, अब मैं फाइनली बोल रहा हूँ बाउंडेड सीक्वेंस, क्या बाउंडेड सीक्वेंस। तो किसी भी सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कब बोलेंगे, जब वो सीक्वेंस दोनों तरफ से बाउंडेड हो, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। सो यहां से अब मैं लिखता हूं अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस, सेड टू बी बाउंडेड इफ इफ इट इज बाउंडेड बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड बाउंडेड। तो याद रखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से बाउंडेड होना चाहिए तभी आप इसको बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस है, अदरवाइज इसको अनबाउंडेड या फिर नॉट बाउंडेड सीक्वेंस आप बोलेंगे। सो अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव, दोनों तरफ से बाउंडेड होना चाहिए, क्लियर। तो ये था डेफिनेशन, ठीक है ना, ये था डेफिनेशन। तो अब रही बात एग्जाम्पल्स की ना, तो एग्जाम्पल्स की, तो आपको जब भी बोलेगा बाउंडेड सीक्वेंस निकालने के लिए तो आप करेंगे क्या,
उसको चेक करेंगे कि दोनों तरफ से बाउंडेड है कि नहीं, मतलब बाउंडेड बिलो है कि नहीं, बाउंडेड अबव है कि नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल मैं लिखता हूं। एग्जांपल, विच ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज बाउंडेड। नंबर वन, मैंने सीक्वेंस ले लिया fn such that fn this is equal to minus 1 2 to the power n. Second, sequence fn such that fn is equal to 1 by n for every n greater than or equal to 1. यहाँ पे अगर मैं ना लिखूँ तो ये understood है this. Third, sequence fn such that fn is equal to, for example मैं ले लिया ये ले लिया n for every n greater than or equal to 1. और fourth मैंने ले लिया sequence fn such that fn is equal to minus 1 2 to the power n into n for every n greater than or equal to 1. मैंने जस्ट मेरे मन में जो आया वो फोर सीक्वेंसेस आपको ले लिया, मतलब फोर क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। इसको आपको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से सीक्वेंसेस बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। अब रही बात सोल्यूशन, तो सोल्यूशन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। और यही प्रॉपर तरीका भी है, मैं आपको होमवर्क देते चलूँ और आप जो है इनको सॉल्व करते चले। नहीं होता है कोई इशू नहीं है, एफर्ट लगाना इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप इसको ट्राई करिएगा, और मैं आपको प्रॉपर ट्राई करने की बात बोल रहा हूँ। आप अपर बाउंड भी निकालेंगे, लोअर बाउंड भी निकालेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन को ऐड कर देता हूँ, ऑल्सो इफ बाउंडेड फाइंड अपर एंड लोअर बाउंड्स, ठीक है ना, लोअर। अगर बाउंडेड होगी तो आप अपर बाउंड भी निकालेंगे, लोअर बाउंड भी निकालेंगे। ऐसा हो सकता है कि बाउंडेड बिलो हो, बाउंडेड अबव ना हो, तो लोअर बाउंड निकालिएगा। ऐसा हो सकता है कि बाउंडेड बिलो ना हो लेकिन बाउंडेड अबव हो, उस केस में आप अपर बाउंड निकालेंगे। तो करेस्पॉन्डिंग अपर एंड लोअर बाउंड्स भी आप निकालेंगे। तो इसको करके रखिएगा। मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इन चारों क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने का, और सॉल्व करने के बाद अपना आंसर मैच करिएगा। ये प्रॉपर तरीका है, खास करके अगर आप बीएससी फर्स्ट सेम में हैं, आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप तो ज़रूर ट्राई करें। और जो लोग नीट गेट या जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है, बट आप भी कोशिश करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।